वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका जो पैराबोला है, पैराबोला एक दूसरे को जहाँ पास काटता है ना, तो उसके कॉमन एरिया को निकालना है। तो इससे पहले वाले वीडियो जिसका आइटम में लिंक आ रहा है, वहाँ मैं आपको बताया था कि इसका लिमिट निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक रूप से बता रहा हूँ कि ये एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स है। जब भी एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स रहे, तो आप एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वन टू एक्स टू, जब एक्स एक्सिस को काटता हो, वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें से किसी को भी आप वाई वन और किसी को भी वाई टू मान सकते हैं। ये सब तो इजी है, यहाँ तक तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हो जाएगा एक्स वन टू एक्स टू वाई वन, मान लीजिए मैं इसको वाई वन बोल रहा हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालिए आप, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं वाई वन बोल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर ए। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई फोर ए हो जाएगा, माइनस यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा फोर ए एक्स का अंडर रूट, ये फोर ए एक्स का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एग्जाम में आप यहाँ तक तो आराम से लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वन टू एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू, क्योंकि यहाँ दो कर्व हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसका लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि लिमिट निकालने के लिए आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ पास काट रहे हैं, है ना। तो इसके लिए दो तरीके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसको देख लेंगे। इसका आई टैब यहाँ आ रहा है, आई बटन आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वहाँ पास मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं उसका लिमिट, है ना। एक तो होता है कि आप चित्र बना करके, इसका फिगर ड्रॉ करके, इसको ट्रेस करके निकाल सकते हैं, है ना। ट्रेस कैसे करेंगे, ये इसके लिए आप क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, आप यहाँ से वाई की वैल्यू रखते जाएंगे और एक्स का मान निकालते जाएंगे, ठीक है। या तो आप ये भी देख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर है किसके सेमेट्रिक होगा, एक्स स्क्वायर है तो जब मैं आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स बता रहा था, आई बटन पे देख लीजिए आ रहा होगा, यहाँ मैं जब ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स बता रहा था तो उस समय मैं आपको बताया था जब एक्स स्क्वायर होगा तो ये वाई एक्सिस के सेमेट्रिक होगा, ये ऐसा बनेगा इसका चित्र, और जब वाई स्क्वायर है तो ये एक्स एक्सिस के सेमेट्रिक होगा, ये एक्स एक्सिस के सेमेट्रिक होगा, तो इसका जो फिगर बनेगा ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ एक दूसरे को जहाँ भी काट रहे होंगे तो उसका उसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। अब उसके बीच का एरिया अपन निकालेंगे कैसे, है ना, इसको ये चित्र को कैसे प्लॉट करेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट निकल जाए, ये दोनों पॉइंट निकल जाए। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों पॉइंट निकलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट है, एक्स एक्सिस को ये कहाँ काट रहा है और ये कहाँ पास काट रहा है, एक्स बराबर यहाँ क्या है, है ना, एक्स बराबर यहाँ पास क्या है और एक्स बराबर यहाँ पास क्या है, यहाँ तो एक्स बराबर जीरो है और यहाँ पास एक्स बराबर क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स बराबर कहाँ पास काट रहा है। तो इसको मैं निकालने का एक तरीका बताया था कि यदि आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना है, फिगर बनाने का भी तरीका बताया था, आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं कि इसको फिगर बना करके कैसे इसका लिमिट निकालते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। अब बिना फिगर ड्रॉ किए इसका कैसे लिमिट निकालना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो मैं बिना फिगर बनाए इसका लिमिट निकाल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ से कहाँ तक काट रहा है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। इसको आप एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर ए, इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन टू में पुटअप कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू, वी गेट इक्वेशन नंबर टू में डालिए इसको, तो ये क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर ए का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा 4ax, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या निकलेगा, x टू द पावर 4 64a क्यूब x। अब इसका साइड इधर चेंज कर दीजिए तो ये क्या निकलेगा, x टू द पावर 4 64a क्यूब x इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो पता चल जाएगा कि x एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है। x टू द पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये आइदर x इक्वल्स टू 0 और x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 64a क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 4a क्यूब। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, 0 और 4a पे काट रहा है, ये 0 पे और ये कितना होगा 4a पे काट रहा है, ठीक है। तो आप बिना इसको ट्रेस किए हुए भी बना सकते हैं कि यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर दीजिए, x का जो भी रिजल्ट होगा वो कर्व x एक्सिस को, दोनों कर्व x एक्सिस को कहाँ कहाँ काटेंगे ये इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, इक्वेशन से भी इसकी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये x1 कितना हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा 4a, यहाँ से क्लियर है, ठीक है। चाहे तो आप ट्रेस करके बना सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा इसका रिजल्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 0 टू 4a, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a डी एक्स माइनस 2 अंडर रूट a को मैं बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा अंडर रूट x डी एक्स, ये हो जाएगा x1 0 टू 4a, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4a, ये बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3 एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन इतना ही आ जाएगा, ये 0 टू 4a आ गया, माइनस 2 अंडर रूट a आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 3 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ 2 बाई 3 आ गया, ये 0 टू 4a। अब लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 12a, और ये हो जाएगा 64a क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 अंडर रूट a बाई 3, और ये हो जाएगा x की जगह में अपन 4a लिखते हैं, 4a टू द पावर 3, और इसका 1 बाई 2 लिख देते हैं, इसको 1 बाई 2 को ऐसा निकाल, 3 बाई 2 को मैं ऐसा निकाल दिया, ठीक है। जीरो का तो कोई माइनस जीरो करने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ माइनस जीरो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जीरो ही आएगा, यहाँ आप इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 वन जा 60a कटेगा तो ये 16a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा, है ना, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a बाई 3, और ये हो जाएगा 64a क्यूब का अंडर रूट, 1 बाई 2 का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 64a स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a बाई 3, और ये हो जाएगा 8 a अंडर रूट a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 3, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, 3 कॉमन आ जाएगा या एलसीएम आ जाएगा, जो भी आप इसको बोलेंगे, ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू, ये 3 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 32a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 में से 32 गया माइनस 16a स्क्वायर बाई 3। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता,
है ना, इसलिए एरिया इज इक्वल्स टू आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, 16a² / 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो मेरे को मेन चीज़ ये बताना था इस टॉपिक में, जब भी एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स दिया रहे तो आप क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको एक्स दोनों दो इक्वेशन दिए रहेंगे, टू कर्व्स रहेगा तो दो कर्व रहेंगे, दोनों कर्व को एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट डायरेक्ट निकल जाता है, तो इसको आपको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, आप बाई प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो अपन उसको देखेंगे, है ना, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।